खबर मध्य प्रदेश के सागर के टंडा से, जहां पर संकुल की प्राचार्य एवं शिक्षकों द्वारा लॉकडाउन के चलते गरीबों में बंटवाया जा रहा है मुफ्त राशन। हम आपको बता दें, प्राचार्य मनेंद्र जैन ने जानकारी देते हुए बताया है कि संकुल केंद्र टंडा के समस्त शिक्षकों द्वारा कुल मिलाकर राशि एकत्रित की गई है, जिसमें तकरीबन 70,000 से 80,000 रुपए की राशि द्वारा राशन की थैली तैयार की गई है, जिसमें समस्त खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध है व साथ ही साथ क्षेत्र के समस्त गरीब निर्धन जरूरतमंदों के लिए ये थैली बंटवाई जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट IBN 24 न्यूज पर अमित कुमार जैन के साथ। सर, आज का हायर सेकेंडरी स्कूल में ये क्या कार्यक्रम था? आज हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल टड़ा में केसरी ब्लॉक के अंतर्गत आता है जी, हमारे शिक्षकों के द्वारा आर्थिक कुछ सहयोग एकत्रित किया गया था, जिसके अंतर्गत इस परिक्षेत्र के गरीब और असहाय लोग, उनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था के लिए कुछ राशन के थैले वितरित करने के लिए कार्यक्रम किया गया था।